नमस्कार, मैं रूपाली और आप देख रहे हैं जेटी न्यूज। भारत और साउथ अफ्रीका के बीच तीन वनडे मैचों की सीरीज का आखिरी और निर्णायक मैच आज दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेला जाएगा। बारिश के कारण टॉस में देरी हो रही है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो दोपहर 1:30 बजे से टॉस हो सकता है। 2010 के बाद भारतीय टीम अपनी सरजमी पर साउथ अफ्रीका के खिलाफ एक भी वनडे सीरीज नहीं जीत पाई है। इस सीरीज में टीम इंडिया को 2-1 से जीत मिली थी। वहीं इसके बाद 2015 में महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी में 5 मैचों की वनडे सीरीज में भारत को 3-2 से हार का सामना करना पड़ा था। आज 12 साल बाद टीम इंडिया के बाद सीरीज जीतने का मौका है। मुकाबले से पहले दोनों टीमों की प्लेइंग 11 क्या हो सकती है, पिच कैसी है और मौसम को लेकर क्या अनुमान किया जाता है, ये सब हम आपको बताएंगे अपने इस वीडियो में। दूसरे मुकाबले में साउथ अफ्रीका को भारत ने 7 विकेट से हराया था। इस जीत के साथ भारत ने सीरीज में 1-1 से बराबरी हासिल कर ली थी। मैच में साउथ अफ्रीका के कप्तान केशव महाराज ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया था और उनकी टीम ने 50 ओवर में 7 विकेट खोकर 278 रन बनाए थे। सबसे ज्यादा रन एडन मार्करम ने बल्ले से निकाले थे। उन्होंने 89 बॉल में 79 रन की पारी खेली थी। वहीं रीजा हैंड्रिंग्स ने 76 बॉल में 74 रन बनाए थे। दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम की पिच बल्लेबाजों के अनुकूल होती है। इस पिच पर बॉल आसानी से बैट पर आती है, ऐसे में यह बड़ा स्कोर बना सकते हैं। पिच पर उछाल भी अच्छा होता है और साथ ही जैसे जैसे मैच आगे बढ़ता है पिच स्पिनरों को भी मदद करती है। दिल्ली का मौसम मैच में बड़ा रोल प्ले कर सकती है। पिछले 3-4 दिनों से दिल्ली में काफी बारिश हो रही है। आज भी बारिश के काफी आसार है। अगर ऐसा होता है तो मैच रद्द भी हो सकता है। पिछले मैच में मिली शानदार जीत के बाद शिखर धवन अपनी प्लेइंग 11 में कोई बदलाव नहीं करना चाहेंगे। वहीं साउथ अफ्रीका टीम में एक बदलाव हो सकता है। टीम के कप्तान टेम्बा बाउमा की वापसी हो सकती है। वो पिछले मैच में अच्छा महसूस नहीं कर रहे थे, इसलिए वो प्लेइंग 11 से बाहर थे। ऐसे में जो भी टीम टॉस जीतेगी उसके लिए पहले गेंदबाजी करने का फैसला ज्यादा बेहतर साबित होगा। अब इस मैच में क्या होता है ये तो आने वाला समय ही बताएगा। इस मैच से जुड़े हुए अपडेट जानने के लिए बने रहिए जेटी न्यूज के साथ। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। धन्यवाद।